एक सेकेंड, ठीक। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जीन्स होते हैं, कैरेक्टर्स के फॉर्म्स होते हैं जिन्हें ट्रेड्स बोलते हैं, कैरेक्टर्स को जीन्स फॉर्म में देखा जाता है। हाइट एक कैरेक्टर है, उसके जो फॉर्म्स हैं, उसके जो ट्रेड्स हैं वो टॉल एंड डॉर्फनेस है। आई कलर एक कैरेक्टर है, उसके जो फॉर्म्स हैं, जो उसके ट्रेड्स हैं वो ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन है। तो कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन की जरूरत पड़ती है। अब कैरेक्टर के फॉर्म्स हैं तो जीन के भी क्या होंगे? फॉर्म्स होते हैं। जीन के ऑल्टरनेट फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी एक कैरेक्टर का एक जीन होता है या उसकी दो कॉपी होती है? दो कॉपी होगी, क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हर एक क्रोमोसोम दो बार मिलता है। तो एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स के मैक्सिमम कितने एलील्स हो सकते हैं? दो एलील हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने एलील हो सकते हैं? जीन के कितने एलील हो सकते हैं? जीन के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं? दो फॉर्म हो सकते हैं। अच्छा, ये दोनों फॉर्म मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? सेम क्रोमोसोम पर, मतलब कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकेशन पर रहते हैं। तो जो एलील्स होते हैं ये ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन है, ये म्यूटेशन से बनते हैं। जीन के जितने भी फॉर्म्स बनते हैं किससे बनते हैं? म्यूटेशन से बनते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकेशन पर। एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? दो हो सकते हैं। अब पी प्लांट है, उस पी प्लांट के अंदर उसकी स्पीसीज में हाइट नाम का जो जीन है उसकी दो कॉपी बनी हुई है पूरी पॉपुलेशन। एक कॉपी ऐसी है जो फंक्शनल है, जो काम करती है, एंजाइम बनाती है, सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। तो इससे क्या हो रहा है? टॉलनेस आता है। तो इसी फंक्शनल कॉपी को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कॉपी या डोमिनेंट एलील बोलते हैं। ये जो ट्रेट दे रहा है, जो टॉलनेस लेके आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। अगर काम कर रहा है एलील को डोमिनेंट एलील, और जो उसकी वजह से ट्रेट आ रहा है, टॉलनेस आ रही है, उसे क्या बोलेंगे? डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन एक म्यूटेशन भी हुआ है एक कॉपी में जो बिल्कुल नॉन फंक्शनल बन गई है पी प्लांट में, जिसे हम रेसेसिव एलील बोलेंगे, जो काम नहीं कर रही है। और काम नहीं करने से कौन सा ट्रेट आ रहा है? डॉर्फनेस। तो ऐसा एलील जो काम नहीं करता, जो नॉन फंक्शनल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेसेसिव बोलते हैं। और वो जो उसकी वजह से जो ट्रेट आता है उसे बोलते हैं। समझ में? अब पी प्लांट के अंदर पूरी स्पीशीज में हाइट के जीन की दो कॉपीज मिलती है, एक फंक्शनल और एक नॉन फंक्शनल। फंक्शनल को क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एलील। नॉन फंक्शनल को रिसेसिव एलील। फंक्शनल को कैपिटल टी, तो नॉन फंक्शनल को स्मॉल। अब किसी भी एक पी प्लांट के अंदर हर एक क्रोमोसोम दो बार मिलता है, मैक्सिमम दो एलील हो सकते हैं, दो कॉपी हो सकती है। तो किसी किसी में तो हो सकता है कि दोनों की दोनों कैसे एलील हो? फंक्शनल हो। किसी में हो सकता है कि एक फंक्शनल और एक नॉन फंक्शनल। किसी में ऐसा हो सकता है कि दोनों नॉन फंक्शनल, मतलब कैपिटल टी कंडीशन हो सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकती है, स्मॉल टी हो सकती है। अब पी प्लांट में हाइट को लेकर के जिस भी प्लांट में सिमिलर एलील है, जैसे कि दोनों कैपिटल टी है, जैसे दोनों स्मॉल टी है, तो उसे हम कौन सी कंडीशन बोलेंगे? हेटरोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस कंडीशन। इसे बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का एक और नाम है, उसे प्योर भी बोलते हैं।
उसे ट्रू ब्रीड भी बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो हाइट को लेकर के सिमिलर एलील रख रहा है। क्या ये कैपिटल टी क्या ये स्मॉल टी आपस में एलील है? ये आपस में एलील नहीं है, लेकिन इनको एलील क्यों बोला जा रहा, सिमिलर एलील? अरे पॉपुलेशन में एक स्मॉल टी भी मिलता है, दो कैपिटल टी भले ही आपके पास, उनको मैं दो सिमिलर एलील क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उनको एलील इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन में क्या मिल रहा है, स्मॉल टी भी मिलता है, उसके रेस्पेक्ट में उनका नाम क्या रखा है, एलील, और सिमिलर है इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, सिमिलर एलील। ऐसा नहीं कि दो कैपिटल टी है तो वो आपस में एलील, वो आपस में एलील नहीं, उसी लोकेशन पे उस पॉपुलेशन में स्मॉल टी भी प्रेजेंट होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में अपन उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, वो सिमिलर है तो सिमिलर है। तो सिमिलर एलील हो किसी कैरेक्टर को लेके आपके पास, तो आप उस कैरेक्टर को लेके क्या हो, होमोजाइगस, प्योर और ट्रू ब्रीड। कैसे हो? ट्रू ब्रीड। लेकिन अगर एक पी प्लांट में दो टाइप के, उसकी उसकी पॉपुलेशन में दो टाइप के एलील मिलते हैं, आपके पास दोनों अलग अलग टाइप के, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो आप कौन सी कंडीशन में हो, हेट्रोजाइगस, इम्प्योर या हाइब्रिड? हेट्रोजाइगस को याद रखना, हाइब्रिड बोलता है, हेट्रोजाइगस, इम्प्योर या हाइब्रिड। अब उस कैरेक्टर के लिए ऐसे हो सकता है, किसी एक कैरेक्टर के लिए आप होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अरे बस समझ में। लेकिन अगर एक केस की बात करें, ह्यूमन मेल की बात करते हैं, अगर कैरेक्टर्स के जीन कहां हो, ऑटोसोम पे हो, तो चाहे ह्यूमन मेल हो चाहे ह्यूमन फीमेल हो, उस कैरेक्टर की दो कॉपी मिली, क्योंकि ऑटोसोम्स तो सब किस में होते हैं, पेयर्स, शुरू के जो 22 क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, हर एक क्रोमोसोम दो बार मिलता है, तो जब भी कैरेक्टर का जीन कहां होता है, ऑटोसोम पे होता है, तो उसकी दो कॉपी मिलती है, होगी तो होमोजाइगस, होगी तो हेटरोजाइगस। लेकिन इस ह्यूमन मेल के अंदर किसी कैरेक्टर का जीन अगर कहां रखा हुआ है, एक्स पे रखा हुआ है या वाई पे रखा हुआ है, तो फिर उसमें एक्स क्रोमोसोम तो एक ही बार मिलता है, वाई क्रोमोसोम तो एक ही बार मिलता है, तो फिर उस कैरेक्टर के जीन की कितनी मैक्सिमम कॉपी होगी, एक, और एक ही कॉपी, सिंगल एलील, सिंगल कॉपी उस जीन की उस कैरेक्टर को क्या कर रही होगी, कंट्रोल कर रही होगी। तो फिर ऐसी कंडीशन को बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, हेमिजाइगस। फीमेल हेमिजाइगस कंडीशन शो कर सकती, क्यों, वो क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें भले ही कैरेक्टर का जीन कहां है, एक्स पे है, तब भी उसमें एक्स दो है, तो या तो उस कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस होगी या वो क्या होगी, हेट्रोजाइगस, वो हेमिजाइगस नहीं होगी, ध्यान रहेगा। इसके बाद में और क्या पढ़ा था हमने, फिनोटाइप क्या होते हैं, कोई भी कैरेक्टर कैसा दिखता है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है। पी प्लांट की अगर बात करी जाए तो हाइट टॉल और डॉफ के फॉर्म में दिखती है, तो टॉल और डॉफ क्या हो गए, फिनोटाइप्स हो गए, ठीक है। और इस टॉल, इस कैरेक्टर को लेकर के पी प्लांट के अंदर किस प्रकार के जीन का कॉम्बिनेशन, किस प्रकार से जीन हो सकते हैं, किस प्रकार का जेनेटिक मेकअप हो सकता है, किस प्रकार का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्या कैपिटल टी हो सकता है, क्या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, क्या स्मॉल टी हो सकता है, सारे हो सकते हैं, तो ये सारे क्या है, जीनोटाइप्स है। क्या है ये, जीनोटाइप्स। आ रही बात समझ में। एलील्स जो होते हैं वो म्यूटेशन से बनते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि जिस जो एलील म्यूटेशन से बना है वो बिल्कुल नॉन फंक्शनली होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हमने तीन केस देखे थे, हो सकता है कि म्यूटेशन के बाद जो नई कॉपी बनी है, जो मॉडिफाइड कॉपी बनी है, जो म्यूटेंट कॉपी बनी है, वो भी काम कर रही हो सकता है जो जैसा वो पहले काम कर रही थी वैसा ही काम कर रही, लेस एफिशिएंसी से काम कर रही हो, या हो सकता है कुछ नया प्रोटीन भी बना दे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया प्रोटीन भी बना दे, पहले अलग टाइप का प्रोटीन बना रही थी, अलग टाइप का एंजाइम बना रही थी, अब कुछ अलग टाइप का एंजाइम बनाने लग जाए, मतलब फंक्शनल है आदि, तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि जैसे ही म्यूटेशन हुआ, जैसा ही कोई नया फॉर्म बना तो बिल्कुल नॉन फंक्शनल होता है, ऐसा नहीं सोचो। हो सकता है कि म्यूटेशन के बाद जो नई फॉर्म बनी है वो अलग काम करने लग जाए, या वही काम कर रही हो तो लेस एफिशिएंसी से कर रही हो, उसमें ऐसा भी हो सकता है, काम भी कर सकती है। तो हमने क्या लिखा था कि मॉडिफाइड एलील और म्यूटेंट एलील जनरली क्या होता है, रेसेसिव होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। जनरली क्या होता है, जब कभी किसी जीन में म्यूटेशन होता है, उससे जब नया फॉर्म बनता है, तो उस नया फॉर्म के अंदर ऐसा होता है कि या तो वो एंजाइम बनाता तो है लेकिन नॉन फंक्शनल बनता है, या फिर वो एंजाइम ही ना बना पाता हो, तो इस वजह से जनरली क्या होती है, म्यूटेंट कॉपी कैसे होती है, रेसेसिव होती है, नॉन फंक्शनल होती है। लेकिन हमेशा ऐसा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है,
ये बात आपको ध्यान रखनी होगी अगर आपको आगे अच्छे से क्या समझना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, ये समझना है। तो ये हमने रिवाइज किया, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारी जो टर्म आएगी वो आएगी फिनोकॉपी। पढ़ लिया था? अच्छा, फिनोकॉपी पढ़ लिया था। क्या हमने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ लिया था? देखें नेक्स्ट जो, अच्छा फिनोकॉपी क्या है वो आप जानते हो, हर चीज को रिवाइज कराना भी जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर रिवाइज कराना, ना वही करते रहेंगे तो टाइम भी तो होना चाहिए। लेकिन हमेशा मेरा एक आदत है जो आपको बड़ा काम में आएगा, मैं जब भी अगली क्लास लेता हूं तो पिछली क्लास को 5 से 6 मिनट में रिवाइज, ताकि वो हमें बात याद तो रहे, हमें वो याद तो रहे, और ना फिर क्या मतलब पढ़ने, अल्टीमेट तो आपके अंदर जाना चाहिए, आपके दिमाग में जाना चाहिए चल क्या रहा। ठीक है, सेल पॉलिनेशन एंड सेल्फिंग की अगर बात करें तो जैसे देखो आप पहले भी जानते होंगे इसे, वैसे ये जैसे अभी सर ने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फायरिंग प्लांट पढ़ा रहे होंगे, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये फ्लावर है, ठीक है। देखो फ्लावर में क्या होता है, एक गाइनोसियम होता है, आपने सुना होगा एंड्रोसियम होता है, कोरोला होता है, कैलिक्स होता है। कैलिक्स को सेपल्स बोलते हैं, कोरोला को पेटल्स उसके यूनिट बोलेंगे, एंड्रोसियम को स्टेमन बोलते हैं किसी एक यूनिट को, और गाइनोसियम के किसी एक यूनिट को कार्पल बोलते हैं। ये पहले से जानते हैं। ये जो स्टेमन होता है इसमें ये जो एंथर होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें मेल गैमेट्स बनते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं, उनके अंदर मेल गैमेट बनते हैं। और ये जो कार्पल है इसके अंदर ये जो ये पार्ट है इसे ओवरी बोलते हैं, और इसमें क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट। एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में उसी फ्लावर का मेल गैमेट उसी फ्लावर के फीमेल गैमेट से फ्यूज हो, एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट से रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा आप मुझे बताओ कि इस प्लांट में अगर हाइट वाला जीन है, कौन सा जीन है, हाइट के जीन है, और उसकी कितनी कॉपी है, 2 कॉपी, और दोनों फंक्शनल है, तो क्या इस प्लांट की हर एक सेल में कैपिटल टी कैपिटल टी है? हाँ, मैंने बताया नहीं था आपको, जीन तो हर एक सेल में होता है, हमारी सेल में 30,000 जीन्स होता है जो डे वन पे हमें जायगोट के फॉर्म में हमारे पेरेंट्स ने दिया। अब वो 30,000 जीन आपकी हर एक सेल में, हर एक सेल में, लेकिन अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप के जीन्स क्या हो रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप का एनवायरमेंट, जिस वजह से कुछ सेल्स तो अलग टाइप के प्रोटीन बनाती है तो लीवर में कन्वर्ट हो गई, कुछ सेल किडनी की सेल्स बन गई, कुछ सेल हार्ट की सेल्स बन गई, ऐसे अलग अलग क्या बन गए हैं, ऑर्गन्स बन गए, लेकिन है तो सब में क्या, एक जैसे। अगर हाइट का जीन इसमें कैपिटल टी कैपिटल टी है, तो क्या इस पार्ट में भी कैपिटल टी ही है, इस ओरी वाले पार्ट में भी कैपिटल टी है? तो जब भी कभी हम ऐसे क्रॉस कराए कि एक पार्ट ये है मेल और ये फीमेल है, और दोनों का सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करवाए, तो आपको क्या समझना है, हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस कब होगी, जब एक ही प्लांट का मेल पार्ट होगा और उसी प्लांट का उसी फ्लावर का फीमेल पार्ट होगा, तभी तो सेम जीनोटाइप होंगे। जैसे मैं अगर ऐसे क्रॉस करूं, ऐसे करवाऊं अगर, तो आप क्या बोलोगे, इसने तो सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करा है, ये क्या है, एक प्रकार की सेल्फिंग है। क्या है ये, सेल्फिंग। ये उसी प्लांट का क्या है, उसी फ्लावर का मेल पार्ट है, और ये उसी फ्लावर का फीमेल पार्ट है, क्योंकि पूरे प्लांट में एक ही प्लांट में जैसा जीनोटाइप होता है। मैं अगर आपको बोलूं कि इसकी सेल्फिंग कराओ आप, इसकी सेल्फिंग कराओ आप, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसी को एक बार और क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस कराना मतलब सेल्फिंग कराना, सेम ही प्लांट है, सेम ही फ्लावर है, उसी का मेल पार्ट उसी का फीमेल पार्ट, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन एक और टर्म होती है, बताओ दूसरी टर्म कौन सी होती है, क्रॉस पॉलिनेशन। और इस क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग प्लांट, ये एक अलग प्लांट है, इसका ये फ्लावर है,
ये एक अलग प्लांट है, इसका ये फ्लावर है। तो अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर है, ये अलग प्लांट का फ्लावर है, ये अलग प्लांट का फ्लावर है। यहां से पॉलन ग्रेन जाते हैं, मेल गैमेट जाते हैं, यहां पर जाके लैंड कर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, उससे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर नेचुरली होने देंगे तो फील्ड पे तो पता चला कि कोई कहीं पर भी जा रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि ये वाला प्लांट कैसा हो, मेल की तरह काम में आए, और ये प्लांट कैसा हो, फीमेल की तरह, तो फिर आपको इन दोनों प्लांट को फील्ड में से बाहर निकाल के लाना पड़ेगा, आपको इस रूम में लाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको मेल बनाना चाहते हो उसके पॉलन ग्रेन निकालना पड़ेगा और उसके से लैंड करवाना पड़ेगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। इसलिए से क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, कैसे होता हम देखेंगे। लेकिन ये अलग अलग प्लांट है तो इनके जीनोटाइप क्या होंगे, अलग अलग। जब भी मैंने ऐसा क्रॉस करवाया, जैसे मैंने ये करा, अगर अलग अलग जीनोटाइप के बीच में क्रॉस किया, तो आप क्या बोलोगे कि एक प्रकार से क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन, क्या कभी सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा हो सकता है? भाई सेल्फ पॉलिनेशन तो एक ही प्लांट होता है, उसमें तो सेम जीनोटाइप ही होता है। अलग अलग जीनोटाइप के बीच में जब भी क्रॉस होगी तो क्या बोलोगे, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ये अलग प्लांट का पार्ट है और ये अलग प्लांट का। अरे बस समझ लो। अच्छा, ऐसे अगर करे तो बताओ ये क्या है, क्रॉसिंग। तो अलग अलग जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करेंगे तो बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, सेम के बीच में करेंगे सेल। इजी। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारी टर्म कौन सी आ रही है, जीनोम। जीनोम क्या होता है, बताएगा कोई? बताओ जीनोम किसे बोलते हैं? हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन सिंगल सेट ऑफ, सिंगल सेट, एक सिंगल सेट में कितने क्रोमोसोम है, एक सेट में जितने क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जीनोम। जैसे आपके पास दो सेट है, एक सेट 23 क्रोमोसोम का किसने दिया है, मदर ने दिया है, एक सेट किसने दिया है, फादर ने दिया है। तो आपकी हर एक सेल में, आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो तो आपकी हर एक सेल में दो दो जीनोम है। कितने जीनोम है, दो दो जीनोम है। अच्छा, आपके गैमेट में कितने जीनोम होंगे, एक होगा। भाई हमारी नॉर्मल सेल में 2n होती है, गैमेट में तो आधे हो जाते हैं। तो गैमेट में जितने भी हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो मिलाकर के क्या बनाते हैं, एक जीनोम बनाते हैं। अच्छा, जब कभी किसी सेल के अंदर एक सिंगल सेट होता है तो उसे कौन से सेल बोलते हैं, उसे बोलते हैं मोनोप्लॉइड। सेट को क्या बोलते हैं, प्लॉइड, और मोनो मतलब एक। जब कभी किसी सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो उस सेल को क्या बोलते हैं, मोनोप्लॉइड। मतलब मोनोप्लॉइड सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उन सब क्रोमोसोम को मिला के क्या बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीन। अब एक और वर्ड आपने सुना होगा, हैप्लॉइड। क्या होता है, सुना है? मोनोप्लॉइड का मतलब तो क्या होता है, नाम से सोचो, एक सेट रखने वाली सेल। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, आधे सेट रखने वाली सेल। हैप मतलब हाफ, प्लॉइड मतलब से। आधे सेट रखने वाली सेल को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं, और एक सेट रखने वाली सेल को क्या बोलते हैं, मोनोप्लॉइड बोलते हैं। हम ह्यूमन हैं, हम डिप्लॉइड हैं, तो हमारा आधा बोलेंगे तो वो भी एन हुआ, वो हैप्लॉइड हुआ। एन को आप हैप्लॉइड भी बोल सकते हो, एन को आप मोनोप्लॉइड भी बोल सकते हो ना, क्योंकि हम डिप्लॉइड है, हमारा आधा क्या होगा, एन होगा, तो वो एक सिंगल सेट भी है, उसे मोनोप्लॉइड भी बोल सकते हैं और उसे हैप्लॉइड भी बोल सकते हैं। तो हमारे केस में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के केस में, मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और सारी जेनेटिक्स हम किसको लेके बढ़ते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को लेके। ड्रोसोफिला कैसी है, डिप्लॉयड है। पाइजम सेटायम कैसा है, डिप्लॉयड है। ह्यूमन कैसा है, डिप्लॉयड है। तो सारी जेनेटिक्स डिप्लॉयड लेके बढ़ते हैं। तो अगर ऐसा आ जाए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेल, कैसे जीनोम बोलेंगे, तो बोलना हाँ, क्योंकि नॉर्मली हम डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए बोलते हैं। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड में डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको कब देखने को मिलेगा, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, कोई प्लांट है जिसमें, जो टेट्राप्लॉइड कंडीशन में है, जैसे एक वीट है, मान लो एक्स है, 6n है, मान लो उसमें 6x बोल लेते हैं, 6 सेट है उसका। तो बताओ उसका आधा क्या हुआ, 3 सेट। तो हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या होगा, 3x। क्या होगा, 3x। लेकिन उसी प्लांट का मोनोप्लॉइड सेल क्या होगा, एक्स, वो तो एक्स ही होगा ना। तो जब कभी कोई ऑर्गेनिज्म दो सेट से ज्यादा सेट रखता है,
टेट्राप्लॉइड हो, पेंटाप्लॉइड हो, पेंटाप्लॉइड की तो बात ही नहीं करते, बाद में देखेंगे, हेक्साप्लॉइड हो, सम नंबर में हो, तो उसका आधा जो होता है क्या होता है, आधा उसे क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, और सिंगल सेट को क्या बोलते हैं, मोनोप्लॉइड। तो हमेशा हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड सेम, लेकिन हमारी एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमको क्या मानना है, सेम ही मानना है। मैं म्यूटेशन में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, अलग टाइप की प्लॉइडी बताऊंगा, ठीक है, यहां भी इतना ध्यान रखना। तो ये क्लियर हुआ सबको, चलो इनको लिखने की जरूरत भी नहीं है। आज हमें कुछ काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है, इसके बाद में ये थोड़ा सा बायोलॉजी कुछ अलग टाइप का लग रहा होगा आपको, जैसे अभी तक जो पढ़ते हुए आए हो, ओ रूट स्टेम लीफ इधर से गया उधर, वो थोड़ा अलग टाइप का था, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी अभी नहीं पढ़ा, ये कुछ अलग ही टाइप का है। इसमें पहले टर्म समझना होती है, पहले तो जीन को, जो चीज दिखती ही नहीं पहली बात तो यहाँ पर, जैसे ये तो थोड़ा दिख गया तो एक बार में समझ में भी आ गया, अच्छा फ्लावर है उधर जा रहा है। अब अधिकतर चीज अपन कौन सी पढ़ेंगे, जो दिखता है, अगला चैप्टर भी कैसा है वो तो बिल्कुल भी दिखता दिखता है कि हो क्या रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, ठीक है। ये जो शनिवार आता है और जो एक फील आता है कि कल छुट्टी है, आज एक ही घंटा पढ़ना है, और ये जो फीलिंग आती है ना अच्छी वाली, वास्तव में यही सुख है जीवन में। अगर आप सोच रहे हो कि हम डॉक्टर बनेंगे हमें अच्छा लगेगा, वो थोड़े दिन के लिए अच्छा लगेगा, फिर लाइफ वही चलेगी। जब डॉक्टर बन जाओगे तब भी आपको खुशी किसमें मिलेगी पता है, कि आज शनिवार है कल संडे है, अरे बस कल घूमने जाना है। तो रियल में लाइफ में आप ये मत सोचो कि कोई चीज अचीव कर लेंगे, कोई जर्नी में कोई चीज हम हमारे टारगेट अचीव करते हैं तो मजा आता है, उसमें उतना मजा नहीं है जितना मजा ये डेली रूटीन में हमें आता है। इसलिए हर एक पल का क्या लेना चाहिए, मजा लेना चाहिए। चाहे आप डॉक्टर बनो या ना बनो, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, अरे बात समझ में। तो ये चीज इसलिए हर एक पल का मजा लेना है, और जर्नी में काफी मजा आता है। जर्नी में दर्शन करने के बाद माइंड स्टेबल हो जाता है। जब मैं पढ़ाई करता था मैं सोचता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, हो भी गया, पहले नहीं भी हुआ था हालांकि आफ्टर ट्वेल्थ, लेकिन जब मैंने गेट एग्जाम दिया उसमें अच्छा रैंक आया वगैरह मेरा हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मैं जहां जाऊंगा वहां जैसे सेलिब्रिटी की तरफ फील करूंगा। लेकिन मुझे कुछ इतना चेंज ही नहीं लगा, मुझे तो ज्यादा मजा किसमें आ रहा था, जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था और सोचता था बैठे कि मेरा सिलेक्शन होगा तो कितना अच्छा लगेगा, उस सोचने में ज्यादा मजा आ रहा था, बजाय वो गेट में जब सिलेक्शन हो गया उसमें उतना मजा नहीं आ रहा था। तो जर्नी को क्या करो, मजा बनाओ, आराम से पढ़ो, टेंशन फ्री होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो, आपको काफी अच्छा लगेगा। क्योंकि डॉक्टर बनोगे फिर एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी एमडी के लिए, फिर एमडी कर लोगे कंप्लीट, फिर कहीं पर अच्छी क्लिनिक वगैरह, अच्छे हॉस्पिटल में जाना है, अच्छा हॉस्पिटल ओपन करना है, बड़े लोगों को मिलाना है, लोगों को इकट्ठा करना है, अलग अलग डॉक्टर से बात करनी है, बड़ी हॉस्पिटल बनाना है, वो भी अचीव कर लिया। हॉस्पिटल की चेन्स बनानी है, क्योंकि जैसे जैसे आप टारगेट बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके नए नए टारगेट आते जाएंगे। अब ऐसा कभी हो जाएगा कि आज तो मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, मैं घर जाकर के आराम से नदी किनारे जाऊंगा गंगा के साइड में और वहां पर आराम से रहूंगा, साधु बन जाऊंगा, ऐसा तो होने नहीं वाला। वो इसलिए जर्नी को क्या करो, एंजॉय करो, टेंशन किसी प्रकार का नहीं।
अब यहाँ पर हम इस डायग्राम से काफी सारी टर्म्स समझने वाले हैं, फोर टर्म्स समझने वाले हैं। फर्स्ट है सेग्रीगेशन क्या होता है, सेकेंड है नॉन डिजंक्शन क्या होता है, थर्ड है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और फोर्थ है लिंकेज क्या होता है। चार चीजें समझेंगे। देखो आपने मियोसिस पढ़ा होगा, गैमेट कैसे बनते हैं आपको पता है। क्या मेटाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं? हो जाते हैं। देखो रियल में जब आपने मियोसिस पढ़ा होगा, मेटाफेज वन पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पर टेट्राड फॉर्म में दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको ऐसे दो दो दिख रहे होंगे, मैंने एक एक ही बनाया है, क्योंकि अगर दो बनाते तो रेप्लिकेटेड होता। अगर मैं यहाँ ए जीन बनाऊंगा, उसका ए जीन का कैपिटल ए एलील, यहाँ स्मॉल ए, अब दो दो बनाता तो दो दो बार कैपिटल ए बनाना पड़ता, दो बार स्मॉल ए, इसलिए मैंने एक एक ही बनाया है। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेज है? ये है मेटाफेज वन की स्टेज। कौन सा स्टेज है? मेटाफेज। ठीक है, अब मेटाफेज वन अगर ह्यूमन की सेल हुई तो कितने क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो जाएंगे? 23 क्रोमोसोमल पेयर अरेंज हो जाएंगे। हमारी जो सेल है यहाँ दो क्रोमोसोमल पेयर है, तो हमने अरेंज कर दी। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर एक ए जीन है, वो अलग क्रोमोसोमल पेयर पे प्रेजेंट है, एक बी जीन है, वो अलग क्रोमोसोमल पेयर पे प्रेजेंट है। अब जब मेटाफेज वन में ये अरेंज हो जाते हैं, तो अरेंज होने के बाद एनाफेज वन आती है, तो इधर जो ऊपर की तरफ क्रोमोसोम है ये इस पोल पे जाएंगे, नीचे के जो क्रोमोसोम है वो इस पोल पे जाएंगे, और अल्टीमेट पूरा जब मियोसिस होगा तो ऊपर वाले क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएंगे और नीचे वाले क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में जाएंगे। तो अल्टीमेट क्या आएगा, ये जीन्स की अगर बात करें तो यहां पर क्या आएगा, कैपिटल ए के साथ कैपिटल, अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा एनाफेज वन में सेपरेशन होगा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जाएगा, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जाएगा, ऐसा होगा ना। अब ये जो एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सेपरेशन हुआ है, जिसमें एलिलिक जीन, कौन सा जीन, जो एलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इन एलिलिक जीन के बीच में क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, एलील्स अलग अलग हो गए। अब ये एलील अलग गैमेट में गया है, ये एलील अलग गैमेट में गया है। तो जो एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सेपरेशन हुआ, जो एलील के बीच में सेपरेशन हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन। अच्छा आप मुझे बताओ कि क्या ये पेयर हो क्रोमोसोम की, क्या इस पेयर पे डिपेंडेंट है? कि अगर ये पेयर क्या ऐसी बोल रही है कि मेरे पास जो ए जीन है ना, मैं ऊपर की तरफ अरेंज हो रहा हूँ कैपिटल ए, तो तुम्हारा भी क्या ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि तुम्हारा कैपिटल बी कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ अरेंज होना चाहिए, ऐसा है? अलग अलग फिजिकल एंटिटी है तो अपना जैसा मन करेगा वैसा अरेंज होगी। ऐसा भी तो ओरिएंटेशन हो सकता है कि यहाँ पर तो आए कैपिटल ए स्मॉल ए और ये पलट करके लग जाए, ये हो सकता है कि यहाँ पर क्या आ जाए स्मॉल बी कैपिटल बी। लेकिन अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा, अब 50% ऐसा भी होने की संभावना है, 50% ऐसा भी होने, ये ओरिएंटेशन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। दोनों बराबर है ना, तो इसकी भी 50%, दोनों 50-50% होती है, क्योंकि दोनों कहाँ है, अलग अलग क्रोमोसोम। अब ऐसा अरेंज होगा तो गैमेट में फिर कैपिटल ए के साथ कौन जाएगा, स्मॉल बी, और स्मॉल ए के साथ कौन जाएगा, कैपिटल बी जाएगा ना। जब एनाफेज में क्या होगा, सेपरेशन होगा एलिलिक जीन के बीच में, ये ऊपर के एक पोल पे जाएंगे, नीचे के एक पोल पे जाएंगे, गैमेट पे जाएंगे। तो हमें एक बात समझ में आई कि एनाफेज वन के वक्त जब होमोलोगस क्रोमोसोम में सेपरेशन होता है, उसकी वजह से एलील्स के बीच में क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। जो एक सेल में है अब वो कहां चले जाते हैं, अलग अलग सेल में चले जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। लेकिन सोचो अगर ऐसा हो जाए जैसा हम पढ़े, अगर वैसा ही हो कि यहां दो अरेंज हुए, दो ऊपर वाले अलग गैमेट में गए, नीचे वाले अलग गैमेट में गए, ऐसे अरेंज हुए ऊपर वाले दो अलग गैमेट में गए, नीचे वाले, नॉर्मल सेपरेशन हो रहा है, तो नॉर्मल सेपरेशन को तो डिसजंक्शन बोलते हैं। लेकिन गलती क्या हो जाए कि मान लो ये काम कर ही रहे थे और एनाफेज वन में पता चला कि ये दोनों को एक उधर जाना था एक उधर जाना था, अलग अलग गैमेट में, पता चला दोनों एक में ही आ गए, तो एक गैमेट तो ऐसा बनेगा जिसमें कुछ क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएंगे और एक ऐसा हो जाएगा जिसमें कम हो जाएंगे। अब ये गैमेट अगर आगे चल करके किसी फीमेल गैमेट से, अगर ये मेल के गैमेट है, अगर किसी फीमेल के गैमेट से फ्यूज करेंगे और अगली जनरेशन बनाएंगे ऐसे एबनॉर्मल गैमेट, तो फिर क्या होगा, एक एबनॉर्मल जनरेशन बनेगी, एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग बनेगी, उसको सिंड्रोम हो जाएगा। और उसको सिंड्रोम कौन कौन से होते हैं हमने याद भी किए हैं,
कुछ क्रोमोसोम कम ज्यादा हो जाते हैं तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और भी बहुत सारे। तो आप जब आपको जब पढ़ाते हैं तो आपको क्या बोला जाता है कि ये हुआ क्यों है, ये सिंड्रोम इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन डिजंक्शन। बोला था किसी ने बिकॉज ऑफ नॉन डिजंक्शन। डिजंक्शन मतलब प्रॉपर सेपरेशन, लेकिन प्रॉपर सेपरेशन ना हो, किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, नॉन डिजंक्शन। तो नॉन डिजंक्शन के कारण एबनॉर्मल गैमेट बनते हैं और ये एबनॉर्मल गैमेट फिर क्या करते हैं, अगली जनरेशन बनाएंगे तो फिर अगली जनरेशन के अंदर कुछ नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, उससे सिंड्रोम होता है। अरे भाई समझ, तो हमें दो बातें समझ में, सेग्रीगेशन और डिजंक्शन क्या होता है, और हमें एक बात समझ में आई कि नॉन डिजंक्शन क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो नॉन डिजंक्शन और उसे क्या होगा ये भी समझ में आया। अब देखो, अगर इस पेरेंट को इन क्रोमोसोम को किसको देना है, इन जीन्स को किसको देना है, अगली जनरेशन को देना है, तो पहले ये पेरेंट अपने जीन्स को कहां पहुंचाएगा, गैमेट। अरे भाई अगर मुझे अपने कैरेक्टर को अगली जनरेशन में मेरे बच्चों को देना है तो पहले मुझे उन कैरेक्टर के जीन्स को किसको देना होगा, गैमेट में पहुंचाना पड़ेगा ताकि गैमेट के थ्रू तो अगली जनरेशन में जाए। तो हम अगर जीन्स को गैमेट में पहुंचा रहे हैं ना तो एक प्रकार से यही बोलेंगे इनहेरिटेंस हो रहा है, अगली जनरेशन में जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये गैमेट में जा रहे हैं जीन्स तो अगली जनरेशन में जा रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये गैमेट ही तो आगे चलने वाले हैं अगली जनरेशन। देखो अब ये ए जीन है और ये कैसा जीन है, बी जीन। अच्छा कैपिटल ए स्मॉल ए सेम लोकस पे प्रेजेंट है तो क्या थे, एली, कैपिटल बी स्मॉल बी एली। लेकिन ए जीन और बी जीन आपस में कैसे हैं, नॉन एली, कैसे हैं, नॉन एली। और ये दोनों नॉन एलील जीन कहां है, अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर पे। तो क्या ए जीन क्या बी जीन के इनहेरिटेंस में किसी प्रकार से कोई परेशानी क्रिएट कर रहा है, ए अपना अलग तरीके से जा रहा है बी अपना अलग जा रहा है, भाई जिसको जैसे अरेंज होना है वैसे जाओ। मतलब कि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है गैमेट में, और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है। ए जीन और बी जीन का इनहेरिटेंस एक दूसरे से क्या है, अगली जनरेशन में जाना, गैमेट में जाना, बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, इनडिपेंडेंट। किसी को लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा कैपिटल ए जहां जाएगा दूसरे वाले जीन का भी कैपिटल बी ही वहां जाना चाहिए, क्या ऐसा हो रहा है, एक अपने रास्ते जा रहा है एक अपने रास्ते जा रहा है, क्योंकि दोनों कहां है, अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर। तो दोनों जीन्स जो नॉन एलिलिक जीन्स है, कैसे जीन है, नॉन एलिलिक जीन्स है, जब वो अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे होते हैं तो अगली जनरेशन में गैमेट में उनका इनहेरिटेंस कैसा होता है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है, इसी को बोलते हैं, इस इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट बोलते हैं, क्लियर। तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट हमें समझ में आ गया। अच्छा ये इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट क्या एलिलिक जीन के लिए डिफाइन है, भाई एलिलिक जीन तो अलग हो रहे हैं, अलग अलग गैमेट में जा रहे हो, क्या है, सेग्रीगेशन। लेकिन एक नॉन एलिलिक जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन से इंडिपेंडेंट जा रहा है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नॉन एलिलिक जीन के लिए डिफाइन है और सेग्रीगेशन एलिलिक जीन के सेपरेशन के लिए डिफाइन, ध्यान रहेगा। चलो एक टर्म और देखते हैं, यहां पर मान लो हमने कैपिटल डी बनाया, डी नाम का जीन, आप मुझे बताओ कि ये ए और डी जीन है, क्या ये नॉन एलिलिक जीन है, नॉन एलिलिक जीन है। लेकिन ये ऐसे दो नॉन एलिलिक जीन है जो कहां है, सेम क्रोमोसोमल पेयर पे प्रेजेंट है। अब यहां रिस्ट्रिक्शन है, जहां अगर पेरेंट में कैपिटल ए के साथ कैपिटल डी है और स्मॉल ए के साथ स्मॉल डी है तो ऑलवेज गैमेट में कैपिटल ए के साथ कौन जाएगा, कैपिटल डी ही जाएगा, स्मॉल ए के साथ कौन जाएगा, स्मॉल डी। अगर यहां भी देख लो, अरे भाई दूसरी पेयर अगर पलटेगी भी तो दूसरी पलटेगी ना, इसमें क्या होने वाला है, तो यहां पर भी क्या होगा, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए के साथ स्मॉल। मतलब जब दो नॉन एलिलिक जीन सेम क्रोमोसोमल पेयर पे होते हैं तो जो कॉम्बिनेशन पेरेंट में होता है, अगर पेरेंट में कैपिटल ए कैपिटल जो एलील्स हैं दोनों जीन्स के, कैपिटल ए कैपिटल डी, वो सेम क्रोमोसोम पे है तो अगली जनरेशन में भी क्या रहेंगे, वो साथ ही, गैमेट में हमेशा कैसे रहेंगे, साथ में ही रहेंगे।
स्मॉल ए के साथ स्मॉल डी साथ में है तो अगली जनरेशन में भी क्या रहेगा, साथ में रहेगा। अगली जनरेशन मतलब गैमेट। क्या ऐसा होगा कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल डी चला जाए? ऐसा नहीं होगा। क्या स्मॉल ए के साथ कैपिटल डी चला जाए? ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा, मैं बताऊंगा बाद में कब होगा, लेकिन नॉर्मली अभी अपन क्या बोलेंगे, नहीं होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो क्या ये कैपिटल ए और कैपिटल डी के बीच में इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस है? क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि नहीं? मैं तू मेरे तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। जहां कैपिटल ए जाता है वहां कैपिटल डी भी जाएगा, जहां स्मॉल ए जाता है वहां स्मॉल डी भी जाएगा। रेस्ट्रिक्शन है यहां पर किस प्रकार का है? नॉन इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस है। कैसा है? इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने अपने रास्ते नहीं जा रहे हैं। कैसा है? नॉन इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। इस नॉन इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस को अगली जनरेशन में जाने को, गैमेट में जाने को लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकेज बोल। आ रही बात समझ में? लिंकेज कौन से जीन के लिए डिफाइन है, एलिलिक या नॉन एलिलिक? और नॉन एलिलिक में भी कौन से जीन के लिए डिफाइन है? ऐसे दो जीन जो सेम क्रोमोसोमल पेयर पे प्रेजेंट, जो इस जनरेशन में पेरेंट में साथ में है तो अगली जनरेशन में भी साथ में। पेरेंट में कैपिटल ए के साथ कैपिटल डी साथ में है तो अगली जनरेशन में भी कैपिटल ए के साथ कैपिटल डी ही रहेगा, जिस भी गैमेट में जाएगा। जिस गैमेट में स्मॉल ए जाएगा उस गैमेट में स्मॉल डी भी रहेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके लिए डिफाइन है? वो भी नॉन एलिलिक के लिए, लेकिन वो जीन्स कहां होते हैं? अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर, तो एक के साथ दूसरा कोई सा भी जा सकता है। कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, कैसा भी जा सकता है। आ रही बात समझ? अच्छे से सबको क्लियर? सेग्रीगेशन क्या है? एलिलिक के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहां होना चाहिए? जीन्स ने अलग अलग क्रोमोसोम। लिंकेज नॉन एलिलिक जीन के लिए और सेम क्रोमोसोम, ध्यान रहेगा। सबको लिख देते हैं यहां पर साइड में, आप इसको बनाओ, लिखो। हाँ बोलो। बोलो, बोलते रहो। आप खुद सोच लो। बताता हूँ एक मिनट, ठीक है, लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ।
यहाँ सारी डेफिनेशंस लिख दी है, सेपरेशन ऑफ एलिलिक जीन्स या होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग बोलेंगे एग्रीगेशन, कोई मिस्टेक हो जाए, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग सेग्रीगेशन या नॉर्मल सेपरेशन उसे क्या बोलेंगे, नॉन डिजंक्शन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम पे, जैसे एग्जांपल के लिए ए और बी जी, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, बी कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, इंडिपेंडेंट है। लीकेज नॉन इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस मतलब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स, कौन से जीन की बात हो रही है, ए और डी जीन के बीच, दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, ऐसे दो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट है नॉन एलिलिक है, उनका इनहेरिटेंस कैसा हो रहा है, नॉन इंडिपेंडेंट हो रहा है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, नॉन इंडिपेंडेंट हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है, मतलब जहां कैपिटल ए जाएगा वहां कैपिटल डी, जहां स्मॉल ए जाएगा वहां स्मॉल डी, क्योंकि दोनों सेम क्रोमोसोम। अभी किसी ने क्या पूछा था कि ये पलट के कैसे लगेगा, कैसे मेटाफेज वन में अरेंज हो ना, ये अरेंजमेंट मेटाफेज वन के अंदर है। हाँ, ये जो अरेंजमेंट दिखाया है आपको ये तो मेटाफेज वन में होगा, लेकिन सेग्रीगेशन कहाँ होगा, सेपरेशन कहाँ होगा, एनाफेज वन। हाँ, क्रॉसिंग ओवर से इफेक्ट आएगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्या आएगा उससे, क्या परेशानी आएगी, ये कुछ अच्छा होगा बताएंगे बाद में आपको। बोर्ड दिख तो रहा है, लिख लिया, अब हमारी ये जो टर्म्स है ये कंप्लीट हो गई है, अब हम पढ़ेंगे गेमिट फॉर्मेशन। आप गेमिट बना रहे हो, आप गेमिट बनाते हो क्या, बनाते हैं, गेमिट किससे बनाते हो आप, मियोसिस से बनाते हो, किससे बनाते हो, मियोसिस से बनाते हो, टू एन अगर सेल है तो अगर हाफ सेट कर दे तो उसे मियोसिस बोलते हैं, उसे गेमिट बनते हैं, लिख लिया उधर का, लिखो एक मिनट है और। अलग अलग जीनोटाइप के बीच में जब भी क्रॉस होगा तो आपको समझना है क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन में सेम जीनोटाइप नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा है कि अगर डिफरेंट अगर जीनोटाइप दिए हुए हैं तो वो क्रॉस पोलिनेशन ही है, वो सेल पॉलिनेशन नहीं हो सकता,
अगर कैपिटल एक इधर दिया हुआ ऐसा, तो ये कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर हाइट के अलग अलग टाइप के जीन नहीं हो सकते। अगर ये है तो यही होगा हर एक सेल, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये है, तो ये सेम प्लांट भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, है ना। लेकिन मैं जब भी आपको सेल्फिंग बोलूंगा तो आपको सेम के बीच में क्रॉस करा। अपन जो अपने को पढ़ना है ना आगे, हमारी सहूलियत के हिसाब से सब बताया जा रहा है। वो तो बहुत सारी चीजें सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है क्या नहीं, वो तो सर आपको बता। पर हमें जो आगे पढ़ना है उसका जो बेस बनाने का काम मैं कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा, ठीक है। ये लिंकेज ये सब अभी क्यों बता दिए, ताकि आगे पढ़े तो कोई परेशानी अपने को नहीं है। चलो इधर देखो, अगर आपके पास एक जीन का जीनोटाइप बनाया हुआ है, हाइट वाले जीन का, आपके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, जैसे इसके अंदर हाइट के जीन को लेकर के क्या है, एक कैपिटल टी एलील है, एक स्मॉल टी है। अब ये इस जीन के रेस्पेक्ट में अगर गैमेट बनाना चाहे तो इसमें दो टाइप के गैमेट बनेंगे। अच्छा, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है तो मुझे कैसे देखना होगा, कैसे विजुलाइज करना होगा, इसमें एक क्रोमोसोम की पेयर होगी जिसमें एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। जब ये गैमेट बनाएगा तो क्या होगा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एनाफेज वन क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, सेपरेशन होगा, तो कुछ गैमेट में कैपिटल टी जाएगा, कुछ गैमेट में स्मॉल टी जाएगा। तो ये 50% गैमेट कैसे बनाएगा टी वाले और 50% कैसे बनाएगा स्मॉल टी वाले, इस जीन के रेस्पेक्ट में अगर बात करें ऐसा ही करेगा। लेकिन ये तो एक जीन के दो एलील आपको बताया जा रहा है, जीन एक कैरेक्टर के जीन के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे जीन हो तो, जैसे आपका जीनोटाइप ए जीन का भी बता दिया जाए, बी जीन का भी बता दिया जाए, सी जीन का भी बता दिया जाए, डी जीन का भी बता दिया जाए, हर एक जीन के आपको एलील दो दो बता दिए जाए और बताया पूछे आपसे कि बताओ ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, तो थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो ये एक ही है, हमने सेपरेट कर दिया, बता दिया कि 50% कैसे बनेंगे कैपिटल टी, 50% स्मॉल। तो एक फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है देखेंगे। टाइप्स ऑफ गैमेट, जब भी आपसे पूछा जाए कि ये जो इंडिविजुअल है जिसका आपको जीनोटाइप दिया जाएगा उसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n, n क्या होगा नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन, क्या होगा नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन क्या होता है अभी देखेंगे। इसे गैमेट कैसे बनते हैं वो भी अगर देखना है तो एक मेथड होती है फॉरकलाइन मेथड, आपने सुना होगा। लाइन होमोजाइगस कंडीशन को लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे अभी देखेंगे, और हेटरोजाइगस कंडीशन को फोर्क से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फोर्क से। चलो इसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, अगर एक इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप है ए जीन को लेकर के कैपिटल ए कैपिटल, आप मुझे बताओ ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें हमें टाइप ऑफ गैमेट का फॉर्मूला आपने बताया था 2 की पावर a, और इसमें n की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि n का मतलब आपने क्या बताया है नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन, यहां तो क्या है होमोजाइगस है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 2 की पावर 0, तो कितना गैमेट 1। अब गैमेट 1 तो बनाएगा फॉर्मूले से पता चल गया, लेकिन वो कैसा होगा दिखने, तो उसको देखना चाहते हो तो ये कौन सी कंडीशन है होमोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन को किससे बनाएंगे लाइन से, ऐसे लाइन खींचेंगे और उसके सामने क्या बना देंगे कोई सा एक लेटर लिख देंगे कैपिटल, तो क्या हो गया ये 100% गैमेट कैसे बनाएगा कैपिटल। सेकेंड अगर देखें हम इसी चीज को अप्लाई करते हैं, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप, तो बताओ एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 1, क्योंकि एक जीन है और एक हेटरोजाइगस कंडीशन है, एन इक्वल टू हेटरोजाइगस कंडीशन, तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2। अब दोनों टाइप के गैमेट को देखना चाहते हो और हेटरोजाइगस कंडीशन है, हेटरोजाइगस कंडीशन को फोर्क बनाओगे और फोर्क बना करके एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, 50% कैपिटल ए बनाएगा 50% स्मॉल ए, ठीक है। चलो थर्ड कंडीशन देखें, अगर कैपिटल ए, अब दो जीन दे दिए आपको ऐसे दे दिए, तो बताओ एन की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, दो जीन दिए है तो क्या हुआ एक ही तो हेटरोजाइगस कंडीशन है, तो बोलेंगे एन की वैल्यू क्या है 1, 2 की पावर 1, कितने गैमेट 2। अब दो गैमेट को देखना चाहते हैं, पहला जीन कैसा है होमोजाइगस से लाइन बनाएंगे कैपिटल ए, दूसरा कैसा है हेटरोजाइगस से फोर्क बनाएंगे इसके सामने कैपिटल बी और स्मॉल बी, गैमेट कैसे बनाएगा
50% बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी, और 50% किसे बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल। ये इंडिविजुअल इस टाइप के बनाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बनाएगा 50%, और 50% किसे बनाएगा, कैपिटल ए स्मॉल। अरे बस समझ में। चलो अगर ऐसा हो जाए, अगर ये ऐसा हो जाए, बताओ एन की वैल्यू 2, कितने गैमेट, 4 गैमेट को देखना चाहोगे क्या आप? पहली कंडीशन कैसी है, हेटरोजाइगस, 4 का बनाएंगे कैपिटल ए स्मॉल। सेकंड कैसी है, हेटरोजाइगस, इसके सामने भी 4 का बनाएंगे और इसके सामने भी 4 का बनाएंगे। अरे बस समझ में, क्या लिखेंगे, कितने टाइप के, 4 टाइप के गैमेट, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, चारों टाइप के गैमेट देख लिए, ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ की अगर बात करें, तो फिफ्थ वाला आपने बनाना, अभी बनाओगे, खुद से बनाओगे, और एक और बनाना, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ आपने ये बनाना, ये दो आप खुद से बनाओ, ठीक है। वेरी गुड, 5 मिनट बाकी है, पहले सुन लेते हैं, फिर लिखते रहना, है ना, वरना टाइम हो जाएगा तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा सुनने, ठीक है। इधर देखो, आपने कैसे किया होगा इसको बताओ जरा, आप बताते चलना, कितने, पहले एन टू कितनी है, तो 2 की पावर 2 कितने के बनेंगे, क्या बनो, 4, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके सामने भी 4, इसके सामने भी, स्ट्रेट लाइन डी 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 डी, और मुझे अगर उसको लाइन से लिखते हैं, ये सब इस तरीके से गैमेट बन जाएंगे, आप बना लोगे। चलो यहां बताओ, यहां पर कितने गैमेट बनेंगे, एन की वैल्यू कितनी है, 2, कितने गैमेट बनेंगे, 2 की पावर 2, 4, देखना चाहेंगे क्या बनाएंगे, 4, अब क्या है, होमोजेगस, लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, अब क्या बनाएंगे, 4 का बनाएंगे, ठीक है। ऐसे गैमेट बना लोगे कॉम्बिनेशन में,
मतलब आपको अगर किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप दे दिया जाए तो वो कितने टाइप की गेमिट बनाएगा, वो कैसे गेमिट दिखेंगे, वो आपको आ जाएगा, आ जाएगा, सारे कॉम्बिनेशन आप बना लोगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, अ प्लांट विद जीनोटाइप, ये जीनोटाइप दे दिया गया है, प्रोड्यूसेस गेमिट्स, ये गेमिट बनाता है, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ आरटीडी जीनोटाइप कंटेनिंग गेमिट। मतलब ये प्लांट जब गेमिट बनाएगा तो उस गेमिट में ऐसा जीनोटाइप रखने वाले गेमिट की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ये पूछा है। इसने बोला 25% कैसे किया होगा भाई, जैसे कि देखो उसमें क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या करूंगा मैं, फोर्क बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, फोर्क बनाएंगे भाई, जितने भी गेमिट बनाता है उतने पहले देखेंगे ना हम, फिर क्या है, होमोजेगस है। तो इस तरीके से ये कंडीशन है, आर टी डी, आर स्मॉल टी डी, स्मॉल आर कैपिटल डी, स्मॉल आर स्मॉल टी डी। अब देख लोगे कि भाई चार गेमिट बनाता है, उसमें से ये एक बार बनाया है, कितने बार हुआ, 1/4। तो ये तरीका है हमारा। लेकिन आप सोचोगे कि सर ये तो छोटा सा है, अगर उसने बहुत बड़ा जीनोटाइप दे दिया तो क्या हम इसे फोर के ही बनाते रहे, पता चला रफ वर्क का जो स्पेस था वो पूरा इसने ही खा लिया, तो फिर बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक शॉर्ट तरीका भी है हमारे पास, देखो कैसे। जीनोटाइप कौन सा है आपके पास, बताओ जरा, प्लांट का जीनोटाइप क्या है, ये है ना। अभी गेमिट तो बहुत सारे बनाएगा, लेकिन हमें कौन से गेमिट के बारे में जानना है, हमें जानना है आर टी और डी, ये कितना बनेगा। तो आप मुझे बताओ कि अगर इसके पास दो, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, तो गेमिट में कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% है। कैसे लिखूंगा 50% को, 1/2। अगर इसमें कैपिटल स्मॉल टी है, गेमिट में एक ही जाएगा, तो कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। अगर इसमें कैपिटल डी है, तो कैपिटल डी जाने की प्रोबेबिलिटी 1। अब सारे साथ में जाए तो सारों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 1/4। आ गया ना, आ गया। अब देखो इधर, ये सही आपको आ जाए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो आप बताओ मुझे इसका आने का, उसमें देख के बाद बाई टू, इसका 1/2 आपको मल्टीप्लाई कर दो, इसका बताओ 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2, इसका 1, कितना आ जाएगा, 1/8। अच्छा इसका 1/2, इसका 1/2, इसका 0, ये आ ही नहीं सकता, दोनों कैपिटल जी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जी। ये गेमिट क्या बनेगा, ये गेमिट नहीं बनेगा। मतलब हम शॉर्ट में भी कोई भी गेमिट दिया जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी हम तुरंत निकाल लेंगे, हमें बार बार इससे फोर्क बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कल करेंगे, जिसमें आपको सारे गेमिट बना के देखना होगा, वो हम कल क्वेश्चंस करवाएंगे। कल कुछ अलग लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस कराएंगे, गेमिट फॉर्मेशन के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है, चलो लिख लो और खुश रहो। और खुशी से क्या करना है, मैंने क्या सिखाया आपको, एग्जाम देना है, जर्नी का एंजॉय करना है, मजा लेना है, जीवन का मजा लीजिए, टेंशन ना कर लीजिए। बच्चे क्या होते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप सोचो जब आप बड़े, जैसे आप अगर 6th क्लास के बारे में सोचते होंगे मान लो एग्जाम्पल के लिए, और आप सोचो कि अगर मान लो मार्क्स के लिए आप 6th क्लास में कभी कभी रोते भी थे, एग्जाम्पल के लिए कभी परेशान भी होते थे, एग्जाम आ रही है, आज जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा मैं कितना मूर्ख था, 6th क्लास 7th क्लास में कितना टेंशन लेता था, टेंशन लेने की कोई जरूरत थी ही नहीं, मुझे अच्छे से लाइफ जीना था, अच्छे से बचपन एंजॉय करना था। तो जैसे आप आगे बढ़ जाओगे ना यहाँ से, तो फिर आप सोचोगे पीछे मुड़ के कि मैं जब कोटा गया था तो फालतू में टेंशन लेता था, आराम से टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई करता, जीवन तो अच्छा ही है वैसे, अरे बात समझ में, इसलिए कोई भी परेशानी वाली बात नहीं, चाहे मार्क्स आए ना है, कॉम्पिटिशन कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से होना चाहिए।